रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूं और अपने आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेकर आई हूं। आज मैं आपके लिए मास्क लेकर आई हूं, बहुत बेस्ट मास्क है ये। इसमें जो है वो बेसन है और गुलाब का अर्क है और तिब्बत क्रीम है और एलोवेरा जेल है। इन चार चीज़ों से आज मैं आपको मास्क बनाना सिखाऊँगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलें अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने बेसन लेना है, 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लेना है। ये 2 टेबलस्पून आपने बेसन लेना है। उसके बाद आपने लेनी है तिब्बत क्रीम। ये देखें क्वांटिटी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, सिर्फ इतनी आपने लेनी बस। उसके बाद आपने लेना है एलोवेरा जेल। ये देखें एलोवेरा जेल आपने लेना है और इसका आपने 1/2 टीस्पून लेना है। 1/2 टीस्पून आप एलोवेरा जेल का गूदा भी ले सकते हैं, पौधों से तोड़ के उसका गूदा निकाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो। इसके बाद 1/4 है गुलाब का अर्क। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है ताकि हमने बनाना है मास्क। अगर हम इसमें ज़्यादा डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा और जब ये पतला हो जाएगा तो ये फेस पर अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। ये देखें ये मैंने इतना लिया है और इसी में ही मेरी कोशिश ये है कि इसका मैं मिक्सर बना लूँ। मिक्सर बना के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये इसको मैंने मिक्स करना है और इसको हमने रखना है थिक थिक रखना है और एक भी इसमें वो ना हो। अच्छी तरह इसको ब्लेंड करना है मैंने। ब्लेंडिंग इसकी अच्छी होगी तो ज़बरदस्त होगा ये। ये देखें ये ज़बरदस्त हमारा मास्क बन गया है। जब आप ये लगाएंगे इसका रिज़ल्ट इतना बेस्ट है, आप खुद ही कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इससे रंग भी आपका गोरा होगा और स्किन भी जो है आपकी ग्लो करेगी। बहुत बेस्ट है ये और जिनके फेस पे दाने हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इससे स्किन ऑयली भी नहीं होती, ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जब ये आप मेरी रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि बहुत बेस्ट रेमेडी है। ये आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। दुआओं में उज़्मा अज़ीम को याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।